हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद सबूर ख़ान है। मैं UPPCS एग्ज़ाम 2018 में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, पहला मेंस और पहला ही इंटरव्यू था। आज डेली नॉलेज ट्रैक पर अपनी एक्सपीरियंस और स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं कायमगंज टाउन फरखाबाद ज़िले UP से बिलोंग करता हूँ और UPPCS में 2017 से मैंने इसके लिए तैयारी शुरू करी थी। मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में है, मेरा मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में है और यही मेरा मेन सब्जेक्ट भी एग्ज़ाम में है। UPPCS एग्ज़ाम इस साल से UPSC के पैटर्न पर स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका बहुत सारा सिलेबस जो है UPSC से सिंक है। ये 3 स्टेजेस वाला एग्ज़ाम है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज इसके साथ मैंने की है। प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी जिसकी वजह से कैंडिडेट को बहुत ही सतर्क रहना होता है अपने मार्क्स के तहत। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी मेरे तौर पर मैंने करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल दोनों पर फोकस करा था। ट्रेडिशनल इन सेंस के पॉलिटी के पेपर के लिए लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी, ज्योग्राफी के लिए NCERT ज्योग्राफी बहुत हेल्पफुल होती है। करंट अफेयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में वो बहुत बढ़ गया है। इसमें घटना चक्र करंट अफेयर्स दृष्टि की अवेलेबल है जो आपको बहुत मदद करेगी। ये प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल को मिलाकर मेरा हुआ था। विद रिस्पेक्ट टू मेंस, इसमें एक हिंदी का पेपर होता है 150 मार्क्स का जो कंपलसरी है, इसका मतलब है इसके मार्क्स जुड़ते हैं। एक एसए का पेपर होता है वो भी 150 मार्क्स का होता है। आपके 4 GS पेपर होते हैं और एक ऑप्शनल पेपर होता है जिसके 2 पार्ट होते हैं। जो एग्ज़ाम के पेपर्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एसए का पेपर है, इसमें आपको 3 एसए लिखने होते हैं और ज़्यादातर एसए बहुत ही करंट रेलिवेंट टॉपिक्स पर आते हैं, वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक एग्रीकल्चर, वुमेन, एनवायरमेंट, लिटरेचर, इन सभी सब्जेक्टों पर आपको कुछ ऐसे तैयार होने चाहिए, रेडीमेड होना चाहिए ताकि ये जो है आप वहाँ पर लिख सकें। हिंदी का पेपर इन पर्टिकुलर जो है आपको उसको लगातार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें मुहावरे हो गए, विलोम हो गए, ये सब आते हैं और इसको आप जो है अच्छे से रट के जाइए, जिस तरीके से जाइए, लेकिन इसको आपको करना होगा। GS के पेपर में जो 4 पेपर होते हैं, GS 1, 2, 3 एंड 4, उसकी स्ट्रेटजी है कि आप करंट रेलिवेंट होना चाहिए आपको याद, और प्लस आपका कन्वेंशनल उसमें मजबूत होना चाहिए। आप UPPSC के साइट पर जो हर सब्जेक्ट का सिलेबस है उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक जो है अपने नोट्स बनाएं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि एग्ज़ाम के वक्त आपको जल्दी रिवाइज होने में आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एथिक्स का पेपर है, एथिक्स का पेपर आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जैसे कि एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटेग्रिटी, एथिक्स, मोरालिटी, इन सब की आपको जो है इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। आपको बहुत ही क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना करें। बहुत एनालिटिकल बेस्ड पेपर आता है, अगर आप रट के जाएंगे, समझ के नहीं जाएंगे इन कोर कॉन्सेप्ट्स को, तो आप वहाँ पर ब्लंडर कर सकते हैं थोड़ा बहुत। विद रिस्पेक्ट टू GS 3, जिसमें नेशनल इकोनॉमी के बारे में आता है, स्टेट की इकोनॉमी के बारे में आता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आता है, इन सब पर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। GS 2, GS 1 में आपका ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बहुत मदद करेगी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी GS के पेपरों में UP का सवाल जो है वो अच्छे खासे रहते हैं। 2 या 3 सवाल मिनिमम आपको हर पेपर में GS 1, 2, 3, 4 में UP के मिल जाएंगे। इसकी वजह से आपको UP का बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे GS 1 में हिस्ट्री आती है तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो गया आपका, हिस्ट्री हो गई। यूपी में जो 1857 का रिवोल्ट था उसमें यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन था, या फिर आपका यूपी का रिसोर्सेज हो गए, यूपी की ज्योग्राफी हो गई, यूपी के रिवर्स हो गए, ये सब आपको जानकारी जो है होनी चाहिए। ये सवाल हर उसमें आता है। आप मैप जो है यूपी का देख के जाएं, अगर कोई क्वेश्चन आता है यूपी का तो उसमें आप मैप अगर शुरुआत में बना देंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करेंगे उसमें। वैसे ही हो गया GS 2 हो गया, तो उसमें पॉलिटी आता है तो पंचायती राज सिस्टम ऑफ यूपी का पूछ सकते हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर का पूछ सकते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा है यूपी का वो जानकारी पूछ सकते हैं। GS 3 आपका इकोनॉमी बेस्ड होता है तो
उसमें आपका यूपी की इकोनॉमी क्या है, उसके रिसोर्सेज क्या हैं, उसमें फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ का क्या है, पर्टिकुलरली पॉलिसीज़ पूछ सकते हैं। कोई स्कीम आती है यूपी की स्पेसिफिक तो वो बहुत ज़रूरी है, वो आ जाती है। जैसे इस बार आत्मनिर्भर भारत है तो उसमें यूपी सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा है, तो वो पर्टिकुलरली स्कीम्स जो है इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ये कोविड से रिलेटेड स्कीम्स क्या आई हैं, इन सब से आपको जो है बहुत ही अपडेटेड होना पड़ता है। तो यूपी स्पेसिफिक के लिए किताबें जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, आप नोट्स बनाइए, इसके कल्चर देखिए आप इसका, ये ज़रूरी है, ये आपको मार्क्स फेच कराएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है एग्ज़ाम के मेंस में ये है कि आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। 20 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप जो है 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो आपकी चांसेस, आपकी प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम को क्रॉस करने की, सफल होने की, बहुत ही ख़तरे में पड़ जाती है। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, आप क्वेश्चन को ये नहीं कि जितने पेजेस हैं आप उतने पेजेस को ख़त्म करने की कोशिश करें, आप ये ध्यान दीजिए कि उसमें पर्टिकुलर टॉपिक में पूछा क्या गया है। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट हैं तो आप कितना ही अच्छा लिखें, 7 आपको बहुत कम रेयरली आपको मिलेंगे। तो आप देखिए कि डायरेक्टली एड्रेस करिए उस क्वेश्चन को, उसके दो पॉइंट में लिखिए, अगर वो डेढ़ पेज में ख़त्म हो रहा है तो उसको ख़त्म करके आगे बढ़िए। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, तीन पार्ट हैं या चार पार्ट हैं, जितने ज़्यादा पार्ट हैं आप हर क्वेश्चन के पार्ट को एड्रेस करके उसको ख़त्म करिए। पॉइंट इज़ टू फिनिश द पेपर, नॉट टू राइट टू मच ऑफ इट। ये आपका बहुत ज़रूर ध्यान देने की बात है और आप इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आंसर मेंस राइटिंग नहीं करेंगे, तो आपको पेपर कंप्लीट करने में दिक्कत आएगी। बहुत से लोग होते हैं, मेरे दोस्त हैं, उन लोगों के तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन हर पेपर में छूट जाते हैं। इसकी वजह से उनके चांसेस इंटरव्यू कॉल के बहुत ही डिमिनिश्ड हो जाते हैं। ये आप जो है बहुत इस पर ध्यान देने की बात है। विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पेपर्स, फॉर एग्जांपल GS1 का पेपर हो गया, जिसमें हिस्ट्री है, जिसमें ज्योग्राफी है, जिसमें सोशल इश्यूज हैं, आप इनका ज़्यादा इसको इन डेप्थ में नहीं जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर को लास्ट ईयर का पैटर्न को देखें तो टॉपिक से ही वो क्वेश्चन बना लेते हैं और बहुत ही एनालिटिकल करंट बेस्ड विद सम ट्रेडिशनल नॉलेज से आपका आंसर जो है बहुत अच्छा बन सकता है। वही आपकी स्ट्रेटजी GS2 में होती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का है, पॉलिटी का सवाल आता है, तो उसमें आप लक्ष्मीकांत को रेफ़र कर सकते हैं। आप ARC की रिपोर्ट है उसका समरी आप डाउनलोड कर लीजिए, नेट पे अवेलेबल है, तो उससे आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल जाएंगे, कोटेशन मिल जाएंगे, लाइंस मिल जाएंगी, और उससे जो है आप GS2 में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन सारे ही पेपर्स की स्ट्रेटजी ये है कि आप कोशिश करें कि कोई भी पेपर का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, आप डायरेक्टली बीटिंग अराउंड द बुश ना करें, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को एड्रेस करें और यही जो है आपको मार्क्स ज़्यादा फेच कराएगी। ऑप्शनल की स्ट्रेटजी एक तौर पे ये रहती है कि ऑप्शनल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत इन डेप्थ आता है सवाल, आजकल बहुत रिलेटेबल ऑप्शनल आता है। अगर मेरा जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड IR था तो उसमें सेकंड पेपर डायनेमिक है और करंट अफेयर्स रिलेटेड बहुत है, तो अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे तो उससे आप जो है अपने आंसर में डायनेमिज्म इंट्रोड्यूस करेंगे जो आपको ज़्यादा मार्क्स फेच कराएगा। वैसे ही आपका पहला पेपर होता है ऑप्शनल का, वो आपका थ्योरी बेस्ड होता है, तो आप ये इंश्योर करिए कि आपको पर्टिकुलर अपने टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स बने हों ताकि आखिरी टाइम में आप उसे जल्दी से रिवाइज कर सकें। ये आपका जो है ऑप्शनल पेपर को अच्छा सा मार्क्स दिलाने में बहुत मदद करेगा आपका। विद रिस्पेक्ट टू माय इंटरव्यू स्ट्रेटजी, इंटरव्यू मैंने अपना बहुत ही एक कूल माइंड से दिया था, उसका बहुत बेनिफिट होता है, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। कूल माइंड आप तभी का हो पाएंगे जब आपको अपने बेसिस स्ट्रांग हो, जब आपके पास नॉलेज जो है आपको सफिशिएंट नॉलेज हो वो क्रॉस करने की, न्यूज़पेपर की जानकारी हो, अपने ज़िले की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, कल्चर हो गया, ये बहुत चीज़ें वो फोकस करते हैं। जैसे मेरा इंटरव्यू 40 मिनट्स के अराउंड चला था तो वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा चला था, लेकिन मुझसे सवाल जो है ज़्यादातर ऑप्शनल के पूछे गए और मेरे कुछ ज़िले के पूछे गए। तो आप जो है अपना इंटरव्यू में बहुत ही शांत होकर, शांत स्वभाव से अपना ऑप्शनल तैयार करें, करंट रिलेटेड न्यूज़ से अपडेट रहें, ये ही आपको जो है ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स दिलाएगी। बाकी जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं UPPCS की, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सब लोग पेशेंस रखिए। जैसे कहते हैं पेशेंस इज़ द वर्च्यू, तो इसीलिए ये एग्ज़ाम आपको टेस्ट करता है, ये आपको इमोशनली मेंटली जो है आपको बहुत ही टेस्ट करेगा। आप जो है संयम बना के जो है अपना तैयारी करते रहिए,
ठीक है, एक दिन आएगा, एक टाइम आएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा. द ओनली थिंग इज परसिवियरेंस. वंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू डू दिस थिंग, जस्ट बी ऑन दैट ट्रैक एंड द टाइम विल कम व्हेन यू विल सेल थ्रू एंड यू विल बी सिलेक्टेड एज एन ऑफिसर. इसके लिए बहुत 18-20 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. आप 4-5 घंटे पढ़िए, लेकिन आप हर दिन 4-5 घंटे पढ़िए. इससे आपका पूरा जो साइकिल होता है, यूपीएससी का हो या यूपीपीसीएस का हो, इसका एक साल का मिनिमम टेन्योर होता हैगा. तो इसकी वजह से अगर आप रोज़ कंसिस्टेंटली 5 घंटे भी पढ़ेंगे बहुत ही ईमानदारी से, लेकिन तो आप जो है ये एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर लेंगे. आप अपने आप पर भरोसा रखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट रहिए अपने लिए, और आप लगातार जो है इसके लिए प्रयत्न करते रहिए. सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मेरा ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.